स्टेट में सरकार चला रहे हैं, आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे। और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे, उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया, हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर हो और कुछ भी नहीं। देखिए, आज ईडी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सेबी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है, एसबीआई के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद, एलआईसी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता के पैसा निवेश करेंगे और बाकी ये जो एजेंसी है वो जहां बोलेंगे वहां जाके काम करेंगे। तो मैं सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, अग्निवीर में आप जो लोगों को, युवाओं को ले रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको चार साल को? चार साल के लिए उनको क्यों ले रहे? चार साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रस्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं आपके ऑफिस में चौकीदार की नौकरी पर रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के जान पे खेल के आर्मी के, आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहाँ से डिमांड करती हूँ मोदी जी से, आप चार साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए, क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके सारे केसेस डाल रहे हो और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो साफ खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, और ये दो इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले हैं कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो जरूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी, आप काम उस पे करिए। मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम जरूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए, जरा हमारे तेलंगाना में आके सिख के सामने पेश हो।